क्या होता है माताओं बहनों, घर की जो मालकिन थी वो बाजार गई और बाजार से चूहे दानी खरीद के ले आई, चूहे दानी जिसमें चूहों को मारा जाता है। अब जब वो चूहे दानी खरीद के ले आई तो भैया झोले को खूंटी में टांग दिया। अब जब वो चूहा था वो देखने के लिए कि भाई बाजार से क्या क्या आया है, वो झोले के अंदर चला गया। और जब वो चूहा झोले के अंदर गया तो क्या पाया कि उस झोले में चूहे दानी रखी हुई है। अब चूहा ये देख के बड़ा डर गया, तुरंत वापस आया और सबसे पहले कबूतर के पास पहुंचा, कबूतर के पास, और कबूतर से बोला कि ए कबूतर भैया, घर में चूहे दानी आ गई है। अब जैसे कबूतर को इतनी बात बताई कि घर में चूहे दानी आ गई है तो कबूतर हंसने लगा मेरे भाई, और कहा बोला कि अरे भैया तुम पागल तो नहीं हो गए, अरे चूहे दानी आई तो मैं क्या करूं, वो चूहे दानी तो तुम्हें मारने के लिए आई है, मेरे लिए थोड़े ना आई है, वो मेरी समस्या नहीं वो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। चूहा डर गया, मुर्गे के पास पहुंचा और बोला मुर्गे भैया अरे घर में चूहे दानी आ गई है। अब मुर्गा भी वही बात बोला, बोला मैं क्या करूं चूहे दानी आ गई, वो मेरे लिए नहीं आई वो तुम्हारे लिए आई, तुम्हारी समस्या तुम जानो। भाई चूहा वहां से भी हट गया, बकरे के पास गया और जैसे बोला कि बकरे भैया घर में चूहे दानी आई है तो बकरा तो हंस हंस के लोट पोट हो गया। क्यों? बोला अरे अरे मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं कौन सा चूहे दानी में जाके फंस जाऊंगा, वो चूहे दानी आई है तुम्हें मारने के लिए, मेरे लिए नहीं आई, वो मेरी समस्या नहीं वो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। अब भाई चूहा चुपचाप बैठ गया, घर में यही तीन जीव पले थे, कबूतर मुर्गा बकरा, भाई बस चूहा जाए तो किसके पास जाए, चुपचाप बैठ गया। अब उसी रात में घर की मालकिन ने चूहे दानी में रोटी लगा के कोने में रख दिया। आधी रात के बीच में खटाक की आवाज हुई और जैसे ही खटाक की आवाज हुई घर के मालकिन दौड़ पड़ी, क्यों? सोचने लगी चूहा मर गया, बड़ा परेशान कर रखा था, ये आज मर गया चला गया। अब जहां चूहे दानी रखी थी वहां अंधेरा था, मालकिन ने अंधेरे में जाके चूहे दानी को ऐसे उठा लिया, लेकिन उसमें चूहा नहीं था, उसमें कहीं से सांप आके फंस गया था। अब जैसे ही मालकिन ने चूहे दानी हाथ में उठाई कि सांप ने डस लिया। अब जब सांप ने डस लिया भाई वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, घर के लोग इकट्ठे हुए, देखा सांप, तुरंत इलाज के लिए लेके दौड़े, इलाज काफी इलाज करा लिया लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बहुत इलाज करा लिया, बहुत इलाज, सारा पैसा लगा दिया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो लास्ट में एक वैद्य के पास पहुंचे, वैद्य जी ने देखा, बोले भैया ये बचेंगी तो है नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक लास्ट उपाय है, करके देख लीजिए, हो सकता है फायदा हो जाए। तो घर वालों ने पूछा बताओ कौन सा उपाय है। अब वैद्य जी ने कहा भैया अगर कहीं कबूतर मिल जाए, कबूतर तो कबूतर का सूप बना के इन्हें पिला दो और कबूतर का खून इनके पूरे शरीर में लगा दो, हो सकता है ये ठीक हो जाए। अब सोचो भैया जो मरने की हालत में हो और उसके लिए इलाज बताया जाए तो जितने जल्दी मिल जाए उतने जल्दी ढूंढेगा व्यक्ति। वैद्य जी ने क्या बताया, कबूतर का सूप बना के पिला दो और खून इनके शरीर में लगा दो। घर के मालिक के तुरंत दिमाग में आ गया, अरे कबूतर तो मेरे घर ही में पला है। घर के मालिक ने कहा, सोचा कबूतर तो मेरे घर ही में पला है, बाहर ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अब फिर क्या था, तुरंत कबूतर को काटा और सूप बना के पिला दिया गया और खून उनके शरीर में लगा दिया। अब सोचो भैया सबसे पहले चूहा किसके पास गया था, कबूतर ही के पास, की भैया घर में चूहे दानी आ गई तो कबूतर ने क्या कहा था, वो मेरी समस्या नहीं है, आज सबसे पहले कबूतर ही मर गया। अब होगा क्या है भैया, इलाज सच में कामयाब हो गया, वो ठीक होने लगी, घर की जो मालकिन थी वो बढ़िया ठीक होने लगी और दो चार दस दिन के बाद वो बिल्कुल अच्छी हो गई। अब जब ठीक हो गई तो एक दिन क्या होता, वो जो घर के मालिक थे भाई उनके ससुराल के लोग आ गए और जब ससुराल के लोग आ गए तो आज वो घर के मालिक सोच रहे हैं कि मेरी ससुराल के लोग आए,
अब मेरे पास पैसा वैसा तो कुछ बचा नहीं है, पैसा तो सब इलाज में खर्च हो गया। मैं क्या करूं भाई, अपने ससुराल वालों के लिए सब्जी वब्जी कहां से लाऊं? ससुराल के लोग आए हैं तो भाई सब्जी तो अच्छी आनी चाहिए कोई, तो सोचने लगे अब सब्जी कहां से लाऊं, पैसा है नहीं पास में, पैसा तो इलाज में खर्च हो गया। फिर अचानक से विचार किया कि अरे घर में जो मुर्गा पला है आखिर वो कब काम आएगा? बोले घर में जो मुर्गा पाल रखा वो किस दिन काम आएगा? फिर कहा था अम्मा बहनों, तुरंत मुर्गा कटा और सब्जी बना के ससुराल वालों को खिला दिया गया। दूसरे नंबर पे चूहा किसके पास गया था? मुर्गे के पास, कि भैया घर में चूहे दानी आ गई। तो मुर्गे ने भी क्या कहा था, वो मेरी समस्या नहीं है। आज मुर्गा भी मर गया। अब धीरे धीरे एक डेढ़ महीना बीत गए भैया, घर की जो मालकिन थी बिल्कुल ठीक हो गई। तो घर के मालिक सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मरते मरते बची है, मेरी पत्नी मौत के मुंह से वापस आई है। अरे अब हमें अपने पूरे मोहल्ले वालों की दावत करनी चाहिए, दावत। फिर मन में विचार किया कि दावत तो करेंगे, लेकिन दावत करेंगे काहे की, मतलब का खिलाएंगे दावत में। फिर मन में विचार किया कि अरे घर में जो ये बकरा पला है आखिर ये किस दिन काम आएगा? बोले घर में जो ये बकरा पाल रखा है इतना बड़ा हो गया, आखिर ये कब काम आएगा? और फिर कहा था भैया बकरा कटा और मोहल्ले वालों की दावत कर दी गई। तीसरे नंबर पे चूहा बकरे के पास भी पहुंचा था कि भैया घर में चूहे दानी आ गई है, लेकिन बकरा तो हंस हंस के लोट पोट हो गया कि वो मेरी समस्या नहीं है। आज बकरा भी मर गया, कबूतर भी मर गया, मुर्गा भी मर गया, बकरा भी मर गया, और तीनों की मौत का कारण क्या है? चूहे दानी। तीनों की मौत का कारण क्या है? चूहे दानी। भाई घर में चूहे दानी नहीं आती, मालकिन को सांप नहीं डसता, तो ये तीनों मरते उसी कारण से, तो ये तीनों मरे। जब मरते तब मरते, लेकिन उस समय नहीं मरते। तो भाई देखो ये क्यों हुआ, चूहा तो अब तक बड़ी दूर जा चुका है, लेकिन जो कह रहे थे कि मेरी समस्या नहीं, वही पहले बलि का बकरा बन गया। तो ये क्यों हुआ भाई, उन्होंने कहा मेरी समस्या नहीं, उन्होंने कहा मेरी समस्या नहीं, इसलिए वो तीनों मौत के मुंह में चले गए। और अगर कहीं वो तीनों चारों मिलके कोई उपाय निकालते तो हो सकता है कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आता, लेकिन हर कोई अपने अपने घमंड में अहंकार में चूर रहा, इसलिए सब मारे गए। तो मेरे बंधुओं, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संदेश दिया है कि संगठित रहो, और जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे, जब तक हम एकता अपने आप में नहीं लाएंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, बिखरे रहेंगे, मेरे भाई हमारे समाज को ऐसे ही ठगा जाता रहेगा और सताया जाता रहेगा। तो मैं बाबा साहब की ये दूसरी बात जो है, दूसरा मूल मंत्र जो है, इसे अपने जीवन में धारण करना है। बोलिए तथागत बुद्ध की। बाबा साहब एक मसीहा के रूप में इस भारत भूमि पे आए,